हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए मुगल साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बार बार एग्जाम में सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, दौलत खान या हसन खान? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दौलत खान। दोस्तों दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था। उसे लगा था कि बाबर भारत पर आक्रमण कर अन्य आक्रमणकारों की तरह वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वह भारत में बस गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक प्रस्तुत है थे फारसी या ईरानी, अफगान, चगताई तुर्क या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे मध्यकालीन भारत के मुगल शासक जो आए थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चगताई तुर्क। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा से संबंधित थे, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन। इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? आपके ऑप्शन है अब्दुल्ला खां उब्जेक, सेवानी खां, उबेदुल्ला खां या जानी बेग। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सेवानी खान। दोस्तों सेवानी खान ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को हराया था और उसके बाद मध्य एशिया से भगाया था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? आपके ऑप्शन है बाबर और राणा सांगा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेर खान, बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध बताना है दोस्तों, किन किन के बीच हुआ था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाबर और इब्राहिम लोदी। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलूक मा प्रथा या अफगानों की आपसी फूट? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उसकी सैन्य कुशलता। दोस्तों पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी, क्योंकि इब्राहिम लोदी से कम सेना बाबर के पास थी, फिर भी वह जीता था उसकी कुशलता के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छः। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने जो है तोपों का प्रयोग किया था, इसको याद रखेंगे, सबसे पहले तोपों का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था जो 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सात। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था? 1527 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1525 ईस्वी, 1524 ईस्वी? अभी दोस्तों आपको बताया था, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी। दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसपे बाबर की जीत हुई थी, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ। राणा सांगा ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध? राणा सांगा और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, यह बताना है दोस्तों। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। दोस्तों खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ था, इसको याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नौ। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? दोस्तों अभी आपको बताया, आपके ऑप्शन हो जाएंगे राणा प्रताप, हेमू, राणा सांगा या अलाउद्दीन खिलजी। कौन खानवा के युद्ध में बाबर से हारा था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा सांगा। दोस्तों राणा सांगा खानवा के युद्ध में जो 1527 ईस्वी में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, तो राणा सांगा इसमें पराजित हुआ था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या बहादुर शाह?
किसका नाम दोस्तों जहीरुद्दीन महमूद था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर। दोस्तों बाबर ने जो है, बाबर का पुराना नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था और उसने अपना नाम जो है मुगल शासक बनने पर बाबर रखा था। इसको याद रखेंगे बाबर, या इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इस तरह याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की उपाधि कहाँ पर धारण की थी? फरगना में, काबुल में, दिल्ली में या समरकंद में? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी काबुल में। दोस्तों बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय प्राप्त की थी और अपनी उपाधि जो है पादशाह उपाधि धारण की थी। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वह मुगल सम्राट कौन है जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प की सफलता की शिक्षा मिलती है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन औरंगजेब? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर या बाबर से जो है हमें धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राजा का उल्लेख किया है? उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़ या कश्मीर? कहाँ के हिंदू राजा का उसने वर्णन किया है बताना है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेवाड़। दोस्तों बाबर ने अपने बाबरनामा में मेवाड़ के राजा राणा सांगा का वर्णन किया है। इसको याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों तुजुक ए बाबरी की भाषा बतानी है, किस भाषा में लिखा है? फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तुर्की। दोस्तों तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है, जिसमें बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को वर्णित किया है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, हुमायूं, निजामुल मुल्क या मीर बाकी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मीर बाकी। दोस्तों मीर बाकी जो है बाबर के सेनानायक थे, इन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। दोस्तों इसका आंसर बाबर नहीं लगाना है, बाबर के सेनानायक मीर बाकी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किनके बीच हुआ था? हुमायूं एवं सुल्तान मोहम्मद नुहानी, शेरशाह एवं हुमायूं, शेरशाह एवं मिर्जा कामरान, मोहम्मद शाह एवं हुमायूं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शेरशाह एवं हुमायूं। दोस्तों 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, जो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? सहसाराम, पटना, जौनपुर या लाहौर? दोस्तों शेरशाह सूरी ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? शेरशाह सूरी शासकों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जौनपुर। दोस्तों शेरशाह सूरी ने जौनपुर से अपनी शिक्षा जो है प्राप्त की थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी, 1531 ईस्वी, 1533 ईस्वी, 1536 ईस्वी? हुमायूं ने दोस्तों चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया था, प्रथम बार आक्रमण बताना है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1532 ईस्वी। दोस्तों हुमायूं ने जो है चुनार के दुर्ग पर 1532 ईस्वी में आक्रमण किया था और लगभग 4 महीने तक इसको घेर के रखा था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? दोस्तों सबसे पहले चांदी का सिक्का किसने चलाया था? अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या बख्तियार खिलजी? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। दोस्तों शेरशाह सूरी ने जो है सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में, कालिंजर में, रोहतास में या सासाराम में?
शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिंजर में। दोस्तों कालिंजर विजय प्राप्ति के दौरान 1545 ईस्वी में अपना ही एक गोला फट जाने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में, दिल्ली में, कालिंजर में या सोना रंग गांव में? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सासाराम में। दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बिहार के रोहतास जिले के सासाराम नामक स्थान पर स्थित है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों दिल्ली में पुराना किला, फिरोज शाह तुगलक ने, इब्राहिम लोधी ने, शेरशाह सूरी ने या बाबर ने? दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। दोस्तों दिल्ली में जो पुराना किला भवनों का निर्माण कराया था वो शेरशाह सूरी ने कराया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी बताना है कौन था, सुजात खां, इस्लाम शाह, फिरोज शाह या मोहम्मद शाह आदिल? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इस्लाम शाह। दोस्तों इस्लाम शाह या जलाल खां जो है शेरशाह सूरी का छोटा पुत्र था जो एक योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? कालिंजर, मालवा, कन्नौज या गोड़? शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिंजर। दोस्तों कालिंजर के विरुद्ध जो है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था जिसमें उसकी मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने या निरून निशा बेगम ने? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाजी बेगम ने। दोस्तों हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1565 से 1572 ईस्वी के बीच करवाया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आगे भी इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।